हाय एवरीवन, मैं हूँ ऋतु मिर्चल। में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बात करने वाली हूँ सेक्सुअलिटी के बारे में। जी हाँ, बहुत जब भी हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि लड़का और लड़की, लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है और यही हमारा नेचर है, यानी कि यही कुदरत ने बनाया है। पर नहीं, कुदरत ने इससे आगे भी बहुत कुछ बनाया है जो हम जानते हैं पर एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि सेक्सुअलिटी कितने तरीके की होती है और बहुत लोग इससे अनजान अपने आप को खुश नहीं कर पाते, अपने आप को दुखी रखते हैं क्योंकि वो कन्फ्यूज होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। क्योंकि मैंने कहा कि ये नेचर के खिलाफ नहीं है, बस हम नेचर से अनजान हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कितने टाइप की होती है। देखिए, ये तीन टाइप की होती है। एक है हिटरो, यानी कि नॉर्मली जिसको हम स्ट्रेट कहते हैं, यानी कि लड़का और लड़की दोनों ऑपोजिट अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि लड़का लड़कियों की तरफ और लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसको स्ट्रेट या फिर हेटरोसेक्सुअलिटी कहा जाता है। और हम इसको नॉर्मल कहते हैं, जो कि बाकी सभी नॉर्मल हैं बट हम इसको नॉर्मल कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक लड़का एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसके फिजिक को देख के अट्रैक्ट होता है, उसकी तरफ फीलिंग्स रखता है और नॉर्मली इन दोनों की शादी होती है। ये तरीके हो गई एक तरीके की। दूसरे तरीके की जो सेक्सुअलिटी होती है वो है होमोसेक्सुअलिटी। इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, तरह तरह के अलग अलग पार्ट करके बनाए हैं, तो इसमें मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ये होता है लेस्बियन, गे, जो सेम अट्रैक्शन रखते हैं सेम जेंडर की तरफ, लाइक एक लड़का लड़की की तरफ, एक लड़की लड़की की तरफ, कुछ भी हो सकता है। हम बहुत बार ये अगर हम आँख खोल के देखें तो बहुत बार हम देखते हैं कि आसपास के एक लड़की लड़के जैसी घूम रही है, मतलब कि दोनों लड़की इसमें से एक लड़के के भेस में है और एक लड़की लड़की के भेस में है, मतलब कि ऐसे घूम रही है जैसे कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बट एक्चुअली वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है, बट अपने दिल में बाहर से हम दोनों को ही लड़की देख रहे हैं बट उनकी फीलिंग्स वैसे ही है। ये है होमोसेक्सुअलिटी, जिसमें एक लड़का लड़के की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, एक लड़की लड़की की तरफ ही अट्रैक्ट होती है, उनकी फीलिंग्स सेम जेंडर की तरफ होती है, इसको समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी कहा जाता है। और तीसरी टाइप की जो सेक्सुअलिटी होती है वो है बाईसेक्सुअल। ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये बड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं, ये खुद नहीं जानते बहुत बार ये कि है क्या, यानी कि बहुत बार इन्हें लड़के पसंद आते हैं, बहुत बार इन्हें लड़कियां पसंद आती हैं। यानी कि जो बाईसेक्सुअल होते हैं उन्हें ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो लड़कियों की तरफ ही अट्रैक्ट हो या फिर वो लड़के की तरफ ही अट्रैक्ट हो, एक लड़की एक लड़का और लड़की दोनों से अट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर सिर्फ एक की तरफ ही हो सकते हैं, पर दोनों की तरफ ही हो सकते हैं। उन्हें स्पेसिफिकली किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने अर्थ को, बॉडी अर्थ को पूरा करने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। वो एक लेस्बियन के साथ भी संबंध बना सकते हैं या फिर वो एक स्ट्रेट के साथ भी संबंध बना सकते हैं जो बाईसेक्सुअल होते हैं। बाईसेक्सुअल होने के कारण बहुत बार वो अपनी फीलिंग्स को खुद नहीं समझ पाते हैं कि वो है क्या। बहुत बार उन्हें एक लड़की की जो फिजिक है बहुत पसंद आती है, उनका चेस्ट, उनका जो हिप एरिया है, वो उनकी पूरी बॉडी, उनके बाल, उनका चाल ढाल सब पसंद आता है। बहुत बार उन्हें एक हैंडसम लड़का भी पसंद आ जाता है, तो वो खुद कन्फ्यूज होते हैं। बहुत लोग समझ पाते हैं कि हाँ मैं एक बाईसेक्सुअल हूँ, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, वो कन्फ्यूज रहते हैं, वो शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही मतलब कि कन्फ्यूजन के साथ बिता देते हैं, पता भी नहीं चलता, और इसी वजह से पूरी ज़िंदगी वो सेटिस्फाइड नहीं रहते, वो खुश नहीं रहते, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो अपने आप को पहचान नहीं पाते और जिस वजह से उनकी जो प्लेजर है वो उस लेवल पे उन्हें नहीं मिल पाती, जबकि अगर वो खुद को पहचानते तो उन्हें मिल सकता था। तो ये तीन तरीके की सेक्सुअलिटी होती है जो नेचर ने बनाया है, सारी ही नेचर ने बनाया है। बहुत लोग बताते हैं कि ये नेचर के खिलाफ है और ये एक परवर्शन है, परवर्टेड मेंटालिटी के लोग हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो बाईसेक्सुअल है वो भी भगवान ने ही बनाया है, क्रोमोसोम ठीक से प्रिपेयर नहीं हो पाता तो वो लोग या तो बाईसेक्सुअल बन जाते हैं या फिर लेस्बियन या फिर गे। नॉर्मल तौर पे जब वो छोटे होते हैं तो वो कुछ समझ नहीं पाते, नॉर्मली सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं, पर जब वो बड़े होने लगते हैं, जब उन्हें फीलिंग्स आने लगती हैं,
जो कि एक दूसरे के तरफ होना चाहिए। कोई लड़की की तरफ होता है, कोई लड़के की तरफ होता है, कोई दोनों की तरफ होता है। ये नेचर नहीं बनाया है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जो और पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करना अगर मेरे चैनल पे आप ऐसे ही वीडियोस हर रोज़ देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।